जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पुलिस में आपके एसआई या इनके सब इंस्पेक्टर के जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। अब जो जर्नल और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं वो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि उनको किस कैटेगरी से अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने अपना फॉर्म अप्लाई नहीं किया है और आप इसी बारे में सोच रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आज हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं उसमें इसी बात का जवाब आपको देने वाले हैं। यहाँ पर जो हम आपको बात बताने वाले हैं वो बिल्कुल पॉइंट्स के आधार पर बताएंगे, और ये जो पॉइंट्स होंगे ये भी बिल्कुल ऑफिशियल हम आपको बताएंगे, अपने पास से बिल्कुल नहीं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हम आपको दिखाएंगे, ताकि जो एक छोटी सी गलती जो आपका सिलेक्शन रोक सकती है वो गलती आपसे ना हो। तो देखिएगा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, चलिए आपको दिखाते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक जानकारी आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ओपन किया हुआ है 19 जून 2021 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं अप्लाई होने। 2 जुलाई 2021 आपके लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म को अप्लाई करने की। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम आपकी वैकेंसी की बात करें, टोटल 400 पोस्ट आपकी मेल एसआई के रहने वाली हैं, जिसमें से जनरल की आपकी 144 और ईडब्ल्यूएस की 40 पोस्ट आपके रहने वाली हैं। लेकिन आपको पोस्ट को देखकर कन्फ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, इसका रीजन भी आपको हम आगे देने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा, जो सबसे पहला मेन पॉइंट आपके लिए वो आपकी हाइट को लेकर और आपके चेस्ट को लेकर। हाइट जो आपकी जनरल कैटेगरी है उसकी 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, और 168 सेंटीमीटर आपके जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी मांगी गई है। आप सभी को पता है कि ईडब्ल्यूएस आपकी रिजर्व कैटेगरी है, यानी कि आपकी हाइट ईडब्ल्यूएस की कितनी है, 168 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी गई है। तो अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है और 170 नहीं है, तो आपको जो है 168 सेंटीमीटर यानी कि ईडब्ल्यूएस से ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर अब आपके पास कोई चांस नहीं बचता है। पहला पॉइंट तो हो गया आपका ये। दूसरा पॉइंट आपके चेस्ट को लेकर देखिएगा, जो आपकी जनरल कैटेगरी है उसकी हाइट 83 सेंटीमीटर मांगी गई है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी हाइट कितनी, 81 सेंटीमीटर मांगी गई है। अब यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी है इनकी ईडब्ल्यूएस, उसकी हाइट में भी आपको 2 सेंटीमीटर छूट आपको देखने को मिली है जनरल के मुकाबले। अब यहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि आपके चेस्ट जो है आप 83 सेंटीमीटर तक अपनी नहीं जो है तैयार कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पर भी आपको किस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, यहाँ पर भी आपको जो ईडब्ल्यूएस आपकी कैटेगरी है उसी से आपको अप्लाई करना चाहिए। दूसरी बात हो गई आपकी ये। जो तीसरी बात है वो आपकी एज की। तो देखिएगा, यहां पर जो आपकी जनरल कैटेगरी है उसकी एज कितनी रखी गई है, आपकी 21 से 27 साल, और आपकी जो एज है वो किस डेट को काउंट की जाएगी, वो आपकी 1 जून 2021 को काउंट की जाएगी। यानी कि 1 जून 2021 को आप कम से कम 21 साल के और अधिक से अधिक कितने, 27 साल के होने चाहिए। ये किसके लिए है, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। अब अगर आप ओवरेज हो चुके हैं तो यहां पर आपको छूट मिलने वाली है, और वो छूट किस कैटेगरी को मिलेगी, आपकी ईडब्ल्यूएस। देखिएगा पॉइंट नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट ऑफ 5 ईयर शैल बी गिवन। यानी कि अगर आप ओवरेज हो चुके हैं, अगर आप 27 साल पार कर चुके हैं, तो 32 साल तक जो कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस के वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जो है कोई चांस, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको किस कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ओवरेज हो चुके हैं तो ईडब्ल्यूएस से आपको फॉर्म जो है अप्लाई करना पड़ेगा। आपका एक पॉइंट हो गया आपका ये। सेम कंडीशन जो आपकी यहाँ पर फीमेल कैटेगरी के लिए रहने वाली है, आपकी फीमेल की भी जो हाइट है उसमें छूट मिल रही है, और आपकी जो एज है उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि 5 साल की जो छूट है वो भी आपको फीमेल को दी जा रही है। अब देखिएगा, जो सबसे इस भर्ती में जो आपका सबसे मेन पॉइंट रहने वाला है, और जो आपके जर्नल और ईडब्ल्यूएस को जो आपको डाउट बना हुआ है उसको क्लियर करेगा, वो आपके जो एडिशनल आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं, वो इस 20 नंबर में से जो आपके 10 नंबर रहने वाले हैं वो आपके क्वालिफिकेशन के, और 10 नंबर जो आपके रहने वाले हैं वो आपके मिसलिनियस रहने वाले हैं। ये 20 नंबर किस किस को मिलेंगे, क्या कुछ नंबर आपके रहने वाले हैं, इसके ऊपर डिटेल में एक कंप्लीट व्यू हमने बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहां पर अगर बात करें आपके इस 20 नंबर की, जो कि आपकी अहम भूमिका निभाने वाला है आपके फाइनल सिलेक्शन में, अब ये कहाँ पर आपको काम देंगे और क्या आपका जो डाउट है उसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा। ये जो पेज हमने ओपन किया हुआ है आपको नोटिफिकेशन का पेज नंबर 3 है, जिसमें जो पॉइंट नंबर 5 है वो आप लोग देखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, और कंफ्यूज आपको क्या कर रहा है, जो लास्ट की लाइन है वो, ये लास्ट की लाइन क्या है देखिएगा, कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड ओनली अगेंस्ट द कैटेगरी अगेंस्ट विच ही हैड अप्लाइड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो कैंडिडेट उसी कैटेगरी में जो काउंट किया जाएगा जिस कैटेगरी से उसने फॉर्म अप्लाई किया है। लेकिन आपको यह बात नहीं सोचनी है, जो सबसे पहले ऊपर की 4 लाइन है कम से कम वो पढ़िए सबसे पहले, क्या कुछ इस लाइन में कहा गया है। तो देखिएगा, इसमें कहा गया है कि जो कैंडिडेट आपके
जनरल से या फिर किसी भी कैटेगरी से आपकी रिजर्व कैटेगरी कौन कौन सी है आपकी, आपकी एससी कैटेगरी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस। अब यहाँ पर आपका एक डाउट और क्लियर हो जाता है कि आपकी जो ईडब्ल्यूएस है वो रिजर्व कैटेगरी है या नहीं, तो देखिएगा नोटिफिकेशन में साफ साफ कह दिया है कि ईडब्ल्यूएस आपकी रिजर्व कैटेगरी रहने वाली है। तो आप चाहे जनरल से अप्लाई करते हो, बिलोंग करते हो, या फिर आप रिजर्व कैटेगरी से यानी कि ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, यहाँ पर आपको केवल एक जो फॉर्म है आप वो सबमिट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक कैंडिडेट है जो जनरल से भी बिलोंग करता है और ईडब्ल्यूएस से भी बिलोंग करता है, अब वो दोनों फॉर्म अप्लाई करना चाहता है यानी कि जनरल में भी और ईडब्ल्यूएस में भी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप केवल और केवल एक जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। अगर आप दोनों फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, एक बात होगी आपकी ये। अब एक जरा मेन पॉइंट सुनिए, आप सभी को पता है कि पीछे आपके एचएससी कल्ला के एग्जाम हुए थे और उस एग्जाम में क्या हुआ था, जो आपकी पहली लिस्ट लगी थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो आपकी ईडब्ल्यूएस की तो ऊंची गई थी और जनरल की आपकी नीचे गई थी, लेकिन जब आपकी फाइनल लिस्ट आई थी सेकेंड लिस्ट, उसमें क्या हुआ था कि ईडब्ल्यूएस की आपकी नीचे लगी थी और जनरल की ऊंची लगी थी। अब यही चीज़ आपकी सेम जो हरियाणा पुलिस एसआई के फॉर्म है उसमें होने वाली है। आप सभी को पता है कि फाइनल से पहले जो आपकी प्रोसेस होगी उसमें सबसे पहले प्रोसेस आपकी फिजिकल होने वाली है। क्लियर है, यानी कि फिजिकल के लिए आपकी एक लिस्ट लगेगी जब आपका एग्जाम हो जाता है। तो अब इसमें जो फिजिकल की लिस्ट आपके लगने वाली है उसमें श्योर तो नहीं है, लेकिन चांस यही बनते हैं कि मान लीजिए हम एक मानकर चलते हैं कि फिजिकल के लिए जो आपकी लिस्ट लगने वाली है पहले लिस्ट वो आपकी ई डब्ल्यू की क्या चली जाती है, ऊंची चली जाती है, और जर्नल की आपकी नीचे चली जाती है, और आप जो आपकी फाइनल लगेगी उसमें आपकी ई डब्ल्यू की तो नीचे चली जाएगी और जर्नल की ऊंची चली जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिएगा अगर आपको लगता है कि जो आपका एग्जाम है उसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, जो पहली लिस्ट आपकी लगेगी उसमें जो 3 से 4 नंबर का फर्क रह सकता है मैक्सिमम, अगर आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो नंबर का फर्क रहेगा वो मैक्सिमम फिजिकल के टाइम 3 से 4 नंबर रह सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और 3 से 4 नंबर का जो फर्क आपका रहने वाला है फिजिकल लिस्ट के लिए उसको आप आसानी से जो पार कर लेंगे, तब आपको किससे अप्लाई करना है, आपको ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना है। क्यों करना है कि जो आपके पहली लिस्ट ऊंची जाएगी वो आप लोग जो है जनरल से आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। अगर माई चांस मान लीजिए कि फाइनल आपकी जनरल की ऊंची चली जाती है और आप अप्लाई कर देते हैं किससे, जनरल कैटेगरी से ही, और आपकी ईडब्ल्यूएस की नीचे रह जाती है, तो आप जो है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आपने जो कट ऑफ आपकी क्वालिफाई की थी फिजिकल के टाइम वो आपने अचीव नहीं की, तो कहने का मतलब ये है अब यहाँ पर इस प्रोसेस में जो आपको बेनिफिट देने वाले हैं वो कौन सी चीज़ बेनिफिट देगी, वो देंगे आपके जो एक्स्ट्रा 20 नंबर आपको मिलेंगे वो कैसे देंगे, देखिएगा वो आपको फ़ायदा देंगे आपके अगर आप अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं किस में, जनरल कैटेगरी में। देखिएगा मान लीजिए आप जो अपना फॉर्म है वो किस में अप्लाई करते हैं, आप अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं जनरल कैटेगरी से, पहली लिस्ट जनरल की आपकी नीचे चली जाती है, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन सेकेंड लिस्ट आपकी ऊँची चली जाएगी। अब यहाँ पर जो लिस्ट आपकी 4 से 5 नंबर का या फिर 5 से 10 नंबर का फर्क रहने वाला है उसमें अगर आपके नंबर 20 नंबर जो एक्स्ट्रा है उसमें से कितने नंबर, अगर आपके 5 से अधिक कहने का मतलब यह है कि अगर आपके 8 से 10 नंबर आपको मैक्सिमम मिल रहे हैं आपके जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं उनमें से, तो आपको जनरल से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपके फाइनल लिस्ट जो जनरल की ऊँची जाएगी वो आप किससे कवर हो जाएगी, आपके जो एक्स्ट्रा 20 नंबर हैं वो आपके कवर हो जाएगी। अगर आप ध्यान दीजिएगा एक्स्ट्रा 20 नंबर आपको 5 या फिर इससे कम मिल रहे हैं तब आपको किससे अप्लाई करना है, ईडब्ल्यूएस से, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको फाइनल सिलेक्शन आपका ईडब्ल्यूएस दिलाएगा ना कि जनरल। तो अगर आपके एक्स्ट्रा नंबर 8 से 10 नंबर हैं तभी आपको जनरल से अप्लाई करना है, ताकि जो आपकी फाइनल लिस्ट जाएगी जनरल की ऊंची लिस्ट जाएगी वो किससे कवर हो जाए, इन एक्स्ट्रा 10 नंबर से हो जाए। लेकिन अगर 5 से या फिर 5 या इससे कम नंबर है तब आपको ईडब्ल्यू से अप्लाई करना है, क्योंकि आपकी जो फाइनल लिस्ट जाएगी वो ईडब्ल्यू के नीचे जाएगी। क्लियर है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके एक्स्ट्रा नंबर कितने हैं, आपकी हाइट वगैरह, आपकी चेस्ट वगैरह। आपकी एक बात और ध्यान रखनी है, वो है आपकी एज लिमिट। आप सभी को पता है कि आपके जनरल की एज कितनी है, आपकी 27 साल। क्लियर है, आपकी जो पहली लिस्ट लगेगी वो ऊंची क्यों जा सकती है ये देखिएगा, आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस में कितने जो एज के कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, 32 साल के। अब जो 32 साल के कैंडिडेट हैं आप सभी को पता है कि उनमें से पोस्ट ग्रेजुएशन भी बहुत सारे कंप्लीट कर चुके होंगे, ये बात आप लोग मानते हैं, बहुत सारे ऐसी क्वालिफिकेशन जो उनके पास एक्स्ट्रा होती है वो भी उनके पास हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल हो सकती है, दूसरी बात हो गई है। अब उनके पास एक जो सबसे मेन आप उनका हथियार होता है वो होता है उनकी तैयारी। अगर एक कैंडिडेट 32 साल का हो चुका है
अगर वो स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा ये पढ़ता आ रहा है तो सोच के देखेगा कि 32 साल तक तो उसकी तैयारी किस लेवल की हो जाती है। ये बात आप लोग बिल्कुल मानते हैं कि हाँ उनकी तैयारी अच्छे लेवल की हो जाती है जो बच्चे नए नए तैयारी करना शुरू करते हैं उनके मुकाबले। तो यहाँ पर जो पहली लिस्ट जाएगी वो इसी कारण से आपकी ऊंची जा सकती है ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि फिजिकल के लिए आपके ईडब्ल्यूएस के बच्चे कैटेगरी में ही काउंट होने वाले हैं। लेकिन फाइनल में आपके जो एक्स्ट्रा 20 नंबर हैं वो आपको मतलब दे सकते हैं अगर आप जर्नल से अप्लाई करते हैं, तो आपकी ईडब्ल्यूएस की नीचे जाएगी क्योंकि आपके जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं वो जर्नल में काउंट हो जाएंगे आपके फाइनल में अगर वो जर्नल की कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं। तो ये कुछ आपके डाउट थे जो कि हमने आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके साथ आपको बताए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आगे किसी नई अपडेट के लिए आपके अपने चैनल सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हम आपको उसको जवाब पूरी कोशिश करेंगे जवाब देने की। तो जुड़े रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।